छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शहर के बीचों बीच एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है। यह जगह धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्व रखती है। वहीं यहां अंग्रेजों ने भी माथा टेका है। हम बात कर रहे हैं बिलासपुर में ज्वाली नाला के पास स्थित बावली कुएं की। यह बावली सैकड़ों साल पुरानी है। इस बावली कुएं से जुड़ी कहानियां लोगों के जेहन में बसी हैं। ये बातें भी सुनी जाती हैं कि इस कुएं में सुरंगें भी हैं जो कहीं दूर निकलती हैं। एक शहर से 30 किलोमीटर दूर रतनपुर तक भी जाती है। ऐसा बताया जाता है कि रतनपुर से रानियां यहां आती थी। यहां आसपास सालों से रहने वाले लोग बताते हैं कि बावली बहुत गहरी है और इसमें सुरंग जैसी है जो रतनपुर तक जाती है। यह बावली धार्मिक दृष्टि से भी महत्व रखती है। एक और यहां गणेशोत्सव के वक्त यहां गणपति विराजते हैं, तो वहीं मुहर्रम के समय भी समुदाय विशेष के लोग यहां आते हैं। यह बावली सांप्रदायिक सद्भाव की एक बड़ी मिसाल है। दादाजी जो है लगभग 120 साल पहले आए थे। उसके बाद हमारे पिताजी का जन्म नहीं हुआ, मेरा जन्म नहीं हुआ। आज लगभग मैं 55 साल का हूँ। ये बावली कुआं बड़ा ऐतिहासिक रहा है। हमारे दादाजी बताया करते थे, जब वो लोग यूपी से बिलासपुर आए थे तब भी ये बावली कुआं ऐसे ही था। उनका कहना ये था कि इसको कोई बता नहीं पाया कि बावली कुआं कब बना, और इस बावली कुआं में भारी मात्रा में एकदम शुद्ध पानी होता था। जो पानी जो है पूरे आसपास के लोग जो हैं इस पानी को उपयोग करते थे। अंग्रेज लोग जब आते थे यहाँ पर तो रुक कर पानी पीते थे। फिर एक तो अंग्रेज जमाना था, दूसरी बात ये हमारे पीछे किला वार्ड है। यहाँ पर किला था राजाओं का, और एक अपना रतनपुर में था। ये भी कहा जाता है इस बावली कुआं के बारे से कि इसमें एक सुरंग गई हुई जो रतनपुर में निकला है। अब ये तो बता नहीं सकते, मगर यहाँ पर ये बावली कुआं पहले लोगों का प्यास बुझाता था। आज ये बावली कुआं जो है प्रेम एकता सद्भावना का प्रतीक बन चुका है। इस बावली कुआं में मुहर्रम मनाया जाता है, इस बावली कुआं में गणेश पूजा मनाया जाता है, इस बावली कुआं में दुर्गा पूजा की जाती है, और सभी धर्म के लोग यहां पर प्रतिवर्ष 2-4-5 कार्यक्रम होते हैं, सब मिलजुल कर करते हैं।